हेलो फ्रेंड्स, नीना की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ अपनी ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरी दादी ने मेरी मम्मी को सिखाई और मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई है। और मैं आज आपके साथ इसको शेयर करके इतनी खुशी मनाऊंगी कि आप भी मेरे घर की एक नई रेसिपी सीख सकेंगे, जिसके लिए मैंने कुछ ये सामान लिया है। और इसको हम रेसिपी को कहेंगे अचारी कलौंजी। कि हमने मेथी ली है, ये देखिए मेथी के दाने, ऐसे ये दाने वाली मेथी है, ये हमने मेथी ली है। ये सौंफ ली है और ये मसाले वाली सौंफ है, जो कि सब मसालों में डलती है, सब्जी में या अचार में किसी में भी डाल सकते हैं। और ये कलौंजी है, यानी कि मगरेल, जिसे मगरेल भी कहते हैं। और ये हमने हरी मिर्चें लिए हैं। और अगर आपके घर में जैसी मिर्चें हैं, मेरे पास कुछ लाल थी कुछ हरी थी, तो मैंने ऐसी ही मिर्चें ले ली हैं। और ये हमने दो कच्चे आम लिए हैं। चलिए मैं बताती हूँ मैंने इसके साथ क्या किया है। देखिए, ये हमारा मेथी और सौंफ हमने रात में भिगो दी थी। ये हमने मेथी जो है, दो चम्मच मेथी लेके और दो चम्मच सौंफ लेके एक कटोरी पानी में ओवरनाइट भिगो दी थी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप भूल भी गए हैं, तब भी आप इसको 2 से 3 घंटे तो ज़रूर भिगोइए। इससे भीगने से ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है, ताकि अच्छे से, यानी कि मेथी का दाना भी आप देख सकते हैं खूब अच्छे से गल गया है। ये देखिए खूब अच्छे से मुलायम पड़ गया है। और सौंफ तो वैसे ही बहुत जल्दी मुलायम होती है, पर मेथी को हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देते हैं। ये जो कच्ची अमिया मैंने आपको दिखाई थी, इसको छील के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। ये हम कुकर में डालेंगे। इसके साथ जो मैंने मेथी और सौंफ भिगोए थे, ये भी हम इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चें भी इसमें डाल लें, ये धो ली थी मैंने, और धोने के बाद इसमें डाल लें। अब क्या करेंगे, हम सूखा धनिया लेंगे जो कि हमारा पिसा हुआ है। इसमें हम 2 चम्मच धनिया डाल दें। थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे, आधी चम्मच से भी कम कलौंजी डालना है इसमें। अब हम इसमें नमक डाल दें, 1 चम्मच नमक डालेंगे। 1.5 चम्मच इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें, आप अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दें। देखिए इसमें हमने 2 चम्मच ही मस्टर्ड ऑयल डाला है। थोड़ी सी इसमें हम हींग डालेंगे, थोड़ी सी हींग डाल दें इसमें। अब हम इसमें पानी डालेंगे, जितना भीगा हुआ था पानी उतना, अभी 1 कटोरी पानी और हम इसमें डाल देंगे। इसमें अभी हमने हल्दी नहीं डाली है, आधी चम्मच से कम हल्दी डाल दें इसमें। बस को फिर मिला के अब हम इसको गैस पे रखेंगे। गैस पे हमने कुकर रख दिया है और अब 1 तेज सीटी लगाएंगे, यानी कि फुल गैस पे हम 1 सीटी लगाएंगे, उसके बाद स्लो कर देंगे और 3 सीटी और दे देंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। कुकर की सारी स्टीम निकल गई है, ये देखिए, और ये अब ठंडा भी हो गया है। अब हम इसे खोल के देखेंगे, अच्छे से हमारी सब चीज़ खूब अच्छे से गल गई है। अमिया जो थी आम की, हमने कच्ची अमिया जो डाली, वो भी अच्छे से हमारी हो गई। अब हम इसे सर्व करेंगे। अचारी लौंजी बनकर तैयार है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इतनी अच्छी लगती है कि इसे दाल चावल के साथ या कोई भी स्टफ आटे के साथ इसे खा के देखिएगा, जरूर बनाइए अपने घर में। और खाने में इतनी अच्छी लगेगी कि आप भी कह देंगे कि वाह मज़ा आ गया। ये अचारी लौंजी का इसका टेस्ट खट्टा तीखा, और ये इसमें जो सौंफ आती है उसकी मिठास बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमारे घर में एक बार जब ये बन जाती है सीज़न में, यानी कि जब ये अमियाँ आती है, तो ज़रूर बनती है और फटाफट सब लोग ऐसे खाते हैं जैसे कभी खाई ना हो। आप इसे एक बार बनाएंगे
और इसे आप फ्रिज के बाहर भी इसे 2 से 3 दिन रख के खा सकते हैं, और फ्रिज में रख के 15 से 20 दिन भी इसे रख के आराम से खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।